ओ भाई साहब, क्या यार दादाजी के जमाने की किताब पढ़ रहे हो, ये सब छोड़ो और ये सुनो मेरे यार। एक मिनट, वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं? मुंबई टू जूनागढ़। जूनागढ़ का वीजा है आप लोगों के पास? वीजा? कौन सी दुनिया में जी रहे हो ब्रो? सुन ब्रो, इंडिया में अंदर अंदर घूमने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती। जरूरत पड़ती है। वैसे आप लोग कोई इलीगल इमिग्रेंट्स तो नहीं हो? पासपोर्ट दिखाओ अब, वरना पुलिस को बुलाओ। पुलिस, रुक जा। बाय द वे, तेरा पासपोर्ट किधर है? सरदार पटेल जी, ये नहीं होते ना तो आज इंडिया छोटे छोटे 562 देशों में बटा होता और हर देश में जाने के लिए आपको वीजा लगवाना पड़ता। कैसे? जब भारत आजाद हुआ था ना तो 562 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। किसी को अलग देश बनाना था तो किसी को पाकिस्तान के साथ जाना था। जरा सोचो, अगर आज हमारे देश के बीचों बीच पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा होता तो। पर अपना बंदा भी सख्त था, देश को यूनाइट करके ही माना वो। अरे छोड़िए भाई, सरदार ने हमें एक किया, हमने उन्हें क्या दिया? अब तक तो नहीं दिया, पर अब दे रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की नींव रखी थी नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 में, और इसका लोकार्पण होगा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार सरोवर डैम गुजरात से। भारत का टूरिज्म बढ़ेगा, देश और दुनिया में भारत की शान बढ़ेगी और हमारे महान सरदार आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही प्रेरित करते रहेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, अखंड भारत के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि।